हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल edu.com। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टिश्यू डिस्कस किया था, आज हम प्लांट टिश्यू डिस्कस करेंगे। और प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम मेरिस्टमेटिक टिश्यू देखेंगे। मेरिस्टमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कंटिन्यूसली ग्रो होता है, यानी कि ग्रोइंग टिश्यू को ही मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहते हैं। और अकरेंस यानी कि क्या, जहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिलता है तो बेसिकली एक ग्रोइंग रीजन पे मिलता है आप प्लांट्स के। और ग्रोइंग रीजन कौन से होते हैं प्लांट्स के, रूट एज वेल एज सूट, यानी कि प्लांट्स का जो टिप होता है वहाँ पे ग्रोइंग या फिर फर्स्ट होता है, तो ग्रोइंग रीजन वो होता है। और एज वेल एज रूट यानी कि नीचे रूट ग्रोइंग रीजन होता है, तो वहाँ पे ये बेसिकली ज़्यादा मिलता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू। शेप कैसा होता है यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू का, बेसिकली वो स्फेरिकल और ओवल और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं वो। और इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि उनके जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच का जो अंतर होगा यानी कि स्पेस होगा वो अब्सेंट होता है, यानी कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं उन, मतलब यानी कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होंगे वो सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, अब्सेंट होता है। वैक्यूल जो होता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू में अब्सेंट होता है, क्योंकि इनको वैक्यूल का काम बेसिकली क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि इसमें स्टोरेज ऑफ फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि प्लांट्स कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है, तो इनको जो फूड है वो यूज़ हो जाता है। ग्रोइंग प्लांट्स है तो जो एनर्जी लगेगी प्लांट्स को ग्रो होने के लिए वो फूड उसमें यूज़ हो जाती है, तो स्टोर करने के लिए बचता नहीं है और इनको ज़रूरत भी नहीं होती है, इसलिए वैक्यूल्स इनमें अब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है, एंड सेल वॉल जो होता है सेलुलोज से बनी होती है मेरिस्टमेटिक टिश्यू में, एंड न्यूक्लियाई जो होता है प्रोमिनेंट होता है, यानी कि ये क्यों प्रोमिनेंट, यानी कि कंप्लीट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस होने की वजह से तभी इनका सेल डिवीजन हो पाता है और ये ग्रो हो पाते हैं। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर का नहीं होता तो ये सेल डिवीजन नहीं होता और ये ग्रोइंग टिश्यू नहीं होते, इनकी ग्रोथ नहीं होती है। इस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू देखा। जैसे कि डायग्राम में देखिए आप, मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है थ्री टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड लास्ट लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होता है शूट एज वेल एज रूट में प्रेजेंट होते हैं, एंड इंटरकैलरी जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू हैं वो नोड में प्रेजेंट होते हैं, नोड एज वेल एज इंटर नोड, यानी नोड और इंटर नोड, लीफ जहाँ से निकलती है उसके टिप को ही नोड बोलते हैं, और दो लीफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे इंटर नोड बोलते हैं। तो बेसिकली नोड और इंटर नोड में जो प्रेजेंट होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। एंड लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है बार्क यानी स्टेम में, स्टेम की साइज इंक्रीज करता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। हम वन बाई वन देखेंगे। सबसे पहले मेरिस्टमेटिक टिश्यू में सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू देखते हैं। एपिकल जो होता है प्रेजेंट होता है एट शूट एज वेल एज रूट, जैसे कि हम प्रीवियस डायग्राम में देखिए रूट एंड शूट में एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ रूट एज वेल एज शूट की। प्रेजेंट होता है रूट एंड शूट में मेरिस्टमेटिक टिश्यू, फंक्शन क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है। सेकंड देखते हैं लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ये बेसिकली प्रेजेंट होता है बार्क में, इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज करता है गर्थ ऑफ रूट की, रूट की गर्थ को इंक्रीज करता है, स्टेम की गर्थ को इंक्रीज करता है, बेसिकली स्टेम की गर्थ को इंक्रीज करता है, यानी कि मोटा करता है, मोटा जो होता है वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं हम कि प्लांट की चौड़ाई जो होती है वो लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। एंड थर्ड एंड लास्ट जो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ लीव्स में, यानी कि जैसे मैं पहले बताया इंटर नोड और लीव्स में प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ ऑर्गन लीव्स की और इंटर नोड्स की, साइज इंक्रीज करने का काम करता है। तो इस तरह के जैसे कि हम डायग्राम में वापस से एक्सप्लेन कर दूं, एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू रूट एंड शूट में प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू नोड और इंटर नोड यानी कि लीव्स के टिप पे प्रेजेंट होता है जहाँ से लीव निकलती है, एंड लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है स्टेम के बार्क में, यानी कि वो गर्त इंक्रीज करता है यानी उसकी चौड़ाई इंक्रीज करता है। इस तरह से हमने प्लांट टिश्यू का पहला पार्ट मेरिस्टमेटिक टिश्यू देख लिया है। आगे हम देखेंगे आगे के पार्ट, जैसे कि
परमानेंट इशू, सिंपल परमानेंट इशू जो वो देखेंगे। तो आई होप आपको समझा होगा और आप समझ पाए होंगे। थैंक यू।